Now we start exercise 2.7. Question number 1. Find y2. और y2 असल में क्या है? Keep in mind dy by dx, this is y1. अगर हम y1 को again with respect to x differentiate करेंगे तो this will become y2. यानी एक दफा हमने y को differentiate किया तो हमने उसको y1 का नाम दिया, y1 को अगेन डिफरेंशिएट किया तो उसको हमने y2 का नाम दिया. आगे अगर हम y2 का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, अगर y2 का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y3 बन जाएगा, एंड सो ऑन. तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस एक्स माइनस 2. अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस एक्स माइनस 2. अब dy/dx को मैं लिखता हूँ y1, दिस इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ये डेरिवेटिव हर एक के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा, तो ये 2 डेरिवेटिव से बाहर होगा जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा. तो आगे एक्स पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो 5x पावर 4 माइनस 3, अब एक्स पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे पावर रूल अप्लाई होगा, तो 4x पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 3x पावर 2 प्लस, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे उसका डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0. सो y1 इज इक्वल टू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10x पावर 4, इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12x पावर 3 और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस 12x पावर 2 प्लस 1. नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx y1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस तरह राइट साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10x पावर 4 माइनस 12x पावर 3 प्लस 12x पावर 2 प्लस 1. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाता है y2, y1 को डिफरेंशिएट किया तो y2, अब इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, 10 पहले से हैं, x पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे 4x पावर 3, माइनस 12 डेरिवेटिव से बाहर होगा, x पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x पावर 2 प्लस 12, शुरू में डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0. सो y2 इज इक्वल टू 40x पावर 3 माइनस 36x पावर 2 प्लस 24x. तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर 3 ओवर 2. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो दिस इज d/dx 2x प्लस 5 होल पावर 3 ओवर 2. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर रूल अप्लाई होगा, ब्रैकेट के ऊपर 3 ओवर 2 पावर है तो ये शुरू में लिख देंगे 2x प्लस 5, पावर 3 से 1 माइनस कर देंगे, 3 ओवर 2 से 1 माइनस कर देंगे, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस, पावर रूल अप्लाई होगा तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस भी लेंगे, तो 2x प्लस 5. तो दिस dy/dx इज y1 और 3 ओवर 2 2x प्लस 5 और पावर में 3 ओवर 2 माइनस 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो पावर में आ जाता है 1 ओवर 2. फॉर द डेरिवेटिव ये वाले जो है बेस, इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाता है 2 डेरिवेटिव से बाहर,
एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो अब y1 आ जाता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3 ओवर 2 2x प्लस 5 पावर 1 ओवर 2, और यहाँ भी 2 आ जाता है, ये वाला 2 इस बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब y1 है 3 एंड 2 2x प्लस 5 पावर 1 ओवर 2। नाउ डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय डी एक्स y1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसके राइट साइड को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये 3 डेरिवेटिव से बाहर हम लिखते हैं, तो 2x प्लस 5 होल पावर 1 ओवर 2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं y2, तो y2 इज इक्वल टू, ये 3 बाहर ही है तो अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, तो 1 ओवर 2 2x प्लस 5 पावर से हम 1 माइनस कर देंगे, पावर रूल अप्लाई किया, इन टू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस में हमारे पास 2x प्लस 5 है। तो अब y2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 ओवर 2 2x प्लस 5 होल पावर माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा, और यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो 2 ही बच जाता है जिस तरह ऊपर हमने सॉल्व किया। तो अब ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो अब ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू 3 एंड 2, और जब इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये 2x प्लस 5 होल पावर प्लस 1 ओवर 2 बन जाता है, तो y2 इज इक्वल टू 3 ओवर, अब इसकी जगह हम पावर 1 ओवर 2 की जगह अंडर रूट लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 5 होल अंडर द रूट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर y2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 1 ओवर अंडर द रूट x। तो हम इसको लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू x पावर 1 ओवर 2 प्लस इसको लिख सकते हैं x पावर माइनस 1 ओवर 2। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, d by dx, x पावर 1 ओवर 2 ये अलग से डिफरेंशिएट होगा और ये वाला अलग से डिफरेंशिएट होगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y1 से, और यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, तो 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगा और x पावर 1 ओवर 2 से 1 माइनस कर देंगे, इन टू फर्दर डेरेवेटिव ऑफ द बेस x है उसका डेरेवेटिव 1 आ जाता है, प्लस यहाँ पर जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे माइनस 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 ओवर 2 से 1 माइनस कर देंगे, फर्दर डेरेवेटिव ऑफ द बेस 1 आ जाता है। तो ये अब हमारे पास आता है 1 ओवर 2 x पावर माइनस 1 ओवर 2, और ये वाला माइनस माइनस 1 ओवर 2 x की पावर माइनस 3 ओवर 2, इनको जब आप इसमें माइनस करेंगे एलसीएम लेके। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स वाई वन, डी बाय डी एक्स इसको अलग से हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 ओवर 2 शुरू में आ जाएगा, x पावर माइनस 1 ओवर 2 और माइनस 1 ओवर 2 यहाँ पर भी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो d बाय डी एक्स एक्स पावर माइनस 3 ओवर 2। तो अब ये y1 को जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको y2 लिख सकते हैं, तो दिस इज 1 ओवर 2। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 ओवर 2 पावर रूल अप्लाई होगा, शुरू में आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 ओवर 2 से हम 1 माइनस कर देंगे, माइनस 1 ओवर 2 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस हम लेंगे लेकिन वो 1 आ जाता है। अब यहाँ पर पावर शुरू में आ जाएगी माइनस 3 ओवर 2 इंटू पावर x पावर माइनस 3 ओवर 2 से हम 1 माइनस कर देंगे, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस x है उसका भी डेरिवेटिव 1 आता है।
तो अब ये आ जाता है y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 x पावर माइनस 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, बल्कि ये 3 जब हम बाहर लिखेंगे तो ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 ओवर 2 x पावर माइनस 5 ओवर 2। तो इसको हम u भी लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 x की पावर 3 ओवर 2, और इसको लिख सकते हैं 3 ओवर 4, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 ओवर 4 नीचे आ जाएगा x पावर प्लस 5 ओवर 2। अब हमने एलसीएम लेना है, तो y2 इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 4 x पावर 3 ओवर 2 इंटू एक्स पावर 5 ओवर 2, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। तो अब ये क्या होगा, ये x पावर 5 ओवर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ x पावर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस x पावर 5 ओवर 2 प्लस 3 x पावर 3 ओवर 2, सबसे आसान तरीका एलसीएम का मैंने लिखा है। तो अब इसको हम यू कर सकते हैं, तो x पावर 5 ओवर 2 को हम ब्रेक करके यू लिख सकते हैं x पावर 2 इन टू एक्स पावर 1 ओवर 2। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 टू जर 4 प्लस 1 5 ओवर 2, तो इस तरह से x पावर 3 ओवर 2 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं x इन टू एक्स पावर 1 ओवर 2, और नीचे जो लिखा हुआ है x पावर 3 ओवर 2 इन टू एक्स पावर 5 ओवर 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड करेंगे तो पावर 8 बाई 2 आ जाएगा, तो कटिंग हो जाएगी, तो x पावर 4। सो y2 इज इक्वल टू माइनस, अब x पावर 5 ओवर 2 इसको लिखते हैं x स्क्वायर इन टू एक्स पावर 1 ओवर 2 प्लस 3 x इन टू एक्स पावर 1 ओवर 2 ओवर 4 x पावर 4। तो अब ऊपर से हम एलसीएम लेते हैं, कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लिया और एक्स पावर 1 ओवर 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद इधर रह जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक्स रह जाएगा और यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस आया मैंने कॉमन ले लिया, और माइनस 3 रह गया क्योंकि ये दोनों चीज़ें बाहर निकल गई, माइनस 3 रह गया ओवर 4 एक्स पावर 4। मजीद इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस x पावर 3 ओवर 2 x माइनस 3 ओवर 4 x पावर 4। अब नीचे ले जाएंगे x पावर 3 ओवर 2 को, तो माइनस x माइनस 3 ओवर 4 x पावर 4 माइनस 3 ओवर 2 लिख सकते हैं, तो माइनस x माइनस 3 ओवर 4 x पावर 4। अब हम उससे माइनस करेंगे, 2 4 जर 8, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, तो 5 ओवर 2। तो ये भी हमारा आंसर है, या माइनस साइन हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y2 विल बी इक्वल टू 3 माइनस x ओवर 4 x पावर 5 ओवर 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।